हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, आज फिर से आप सबके लिए लेके आई हूँ एक नया ट्रैवल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद उस जगह में जाना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज ट्रैवल के लिए मैंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस ट्राई किया है जो कि इजी रहेगा कैरी करने में, और हेयर मैंने सिंपल रखा है, आगे से थोड़ा सा पुफ बनाया है तो सिंपल लुक है। तो अभी हम कार में बैठ चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम बैंगलोर टू मैसूर कार से जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि हम किस में ट्रैवल करते हैं, बैंगलोर टू मैसूर। चलो आप सबको एक हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बेंगलुरु टू मैसूर। तो कौन सी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं? गेस कीजिए, थोड़ी ही देर की बात है, आप जान जाएंगे कि हम कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं बेंगलुरु टू मैसूर। अभी हम छोटे जनाब से पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मैसूर जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो वी आर गोइंग टू मैसूर बाय वंदे भारत एक्सप्रेस। ये तो बहुत ही एक्साइटेड है, सुबह 5 बजे का उठा हुआ है और कि हम लोग वंदे भारत से जा रहे हैं, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। सो ही इज एक्साइटेड एंड वी आर ऑल्सो टू एक्साइटेड। तो दोस्तों देखते हैं एक झलक इस ट्रैवल व्लॉग का। ट्रेन के पायलट कैबिन का झलक से लेकर ट्रेन के इंटीरियर्स, ट्रेन का सेफ्टी और ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की व्यू कैसी है, अंदर से एक्सपीरियंस कैसा है और बाहर का व्यू कैसा है, ट्रेन कैसी दिखती है, 16 कोचों की ये ट्रेन, वंदे भारत का एक्सपीरियंस, ये जो प्रीमियम एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो साथ में बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। चलो आपको बता ही देते हैं, हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर टू मैसूर बाय ट्रेन। ट्रेन कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था बैंगलोर में, तो हम उसी से ट्रैवल कर रहे हैं आज। तो आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस बताएंगे और बताएंगे कि ये फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया का कैसा है और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए और देखिए कैसी ट्रेन है, ट्रेन अंदर से कैसे दिखती है और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए नीचे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसी लग रही है। अभी हम एक्चुअल में रुके हैं मैगडी में। आपको मैं पोस्टर दिखा देती हूँ कि हम मैगडी में रुके हुए हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हम मैकडोनल्ड्स में रुके हैं, इसको मैगडी भी बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स बोलते हैं, यहाँ रुके हैं। और मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। लो, हम पहुंच गए हैं KSR बेंगलुरु SBC। सो हमारे ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 10:25, थोड़ा डिले हो गया है। हमने स्टेटस चेक किया था हमारे मोबाइल में तो इट इज़ अराउंड 45 मिनट्स डिले। चेन्नई से ये स्टार्ट होती है, फिर बेंगलुरु रुकती है और फिर मैसूर इसका लास्ट स्टेशन है। एंड ये जो जाने का ट्रेन नंबर है आपका है 20607, डाउन का है 20608, ये ट्रेन नंबर्स बताए हैं मैंने आपको। सो जो 20608 है वो आती है मैसूर, देन बैंगलोर होर्डिंग होती है और उसके बाद जाती है लास्ट स्टेशन चेन्नई। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा वीडियो शेकी है बिकॉज थोड़े से मुझे लग रहा है कि हम लेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम भाग रहे हैं, थोड़ा तेज चल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो शेकी है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बने रहिए इस वीडियो पे, देखिए आगे कहाँ पहुँचते हैं, कौन से स्टेशन में, कौन से प्लेटफॉर्म में पहुँच रहे हैं हम। फिर से रिपीट करती हूँ, ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि चेन्नई टू मैसूर चलती है और बीच में बैंगलोर में रुकती है। ट्रेन नंबर इज 20607 फॉर अप एंड 20608 फॉर डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैंगलोर KSR सिटी जंक्शन का व्यू मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन जो वंदे भारत है ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आई थी
और मोस्टली ये 7 में ही आती है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का और देखते हैं कब ट्रेन अराइव होती है। लेट्स सी, वी विल सी द फर्स्ट व्यू ऑफ ट्रेन कमिंग इनसाइड द प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून्ड। लोगों की भीड़ देखे यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं वंदे भारत की एक झलक पाने के लिए। सब लोग सेल्फी स्टिक लेके, मोबाइल लेके, कैमरा लेके वेट कर रहे हैं कि कब वंदे भारत इस प्लेटफॉर्म में एंटर होगी और कब हम उसके साथ सेल्फी या वीडियो लेंगे, और उनमें से मैं भी एक हूँ। आपको हॉर्न सुनाई पड़ ही गया होगा ट्रेन का, वो देखिए ट्रेन एंटर हो चुका है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लोकेट कीजिए ट्रेन कहाँ है, आ रही है, देखो धीरे धीरे आ रही है, एंटर हो गया है। सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं और मैं भी अपने मोबाइल से वीडियो ले रही हूँ। तो देखिए अब हम इस ट्रेन का सफ़र कैसे करेंगे और ये ट्रेन कैसा है। इंडियन रेलवेज़, रियली थैंक यू टू यू फॉर लॉन्चिंग इन साउथ इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस द फास्टेस्ट ट्रेन। हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुजाता और आप देख रहे हैं फियोमी वर्ल्ड। दोस्तों आज हमारे लिए, आपके लिए और इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साउथ की पहली और देश की 5th फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, जिसका आज कमर्शियल रन है चेन्नई से मैसूर तक। तो ये जर्नी मैं कवर करने आई हूँ बेंगलोरु से मैसूर तक। तो आपको मैं ये पूरा जर्नी करके दिखाऊंगी और एक्सपीरियंस करूंगी, और मैं पहली बार वंदे भारत में जा रही हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करूंगी और आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस वीडियो में। ये एक प्रीमियम ट्रेन है, इसमें ऑटोमेटेड डोर्स हैं, बाहर के डोर्स भी ऑटोमेटेड हैं, इसमें बटन दबाना पड़ता है और अगर ट्रेन छूटने का टाइम हो तो डोर्स ओपन नहीं होती है। तो ज़रा केयरफुल रहिए, टाइम से स्टेशन पहुँचिए, प्लेटफॉर्म पहुँचिए और टाइम से ट्रेन में जाइए और अपने सीट पर जाके बैठिए ताकि आपकी ट्रेन छूट ना जाए। लोगों की भीड़ देखिए यहाँ पे, आज तो आपको बहुत सारे रेल फैन मिलने वाले हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। देखो वंदे भारत का सेल्फी वीडियो लेने के लिए कितने बेकरार हैं, एक झलक पाने के लिए कितना बेकरार हैं ये सब। जो कि ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20607 चेन्नई से चलती है 5:50 सुबह के 5:50 AM और मैसूरु पहुँचेगी 12:30 तक। अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो इसको बनने में लगभग 115 करोड़ रुपए लगे हैं, और जो दो पहले वंदे भारत बनी थी उसको लगभग करीब करीब 97 करोड़ लगा था। देखिए लोको पायलट भी रेडी हो गए हैं, ये इनके लिए भी प्राउड मोमेंट है। एक्साइटमेंट की लेवल देख लो यार आप, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। ब्रांड न्यू वंदे भारत और उसमें ट्रैवल करने जा रहे हैं, ओहो, भारत के लिए ये मेड इन इंडिया तहत के प्रोजेक्ट ही बना हुआ है, भारत में ही बना हुआ है ये। 16 कोचों का सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब हर कोच में क्षमता है स्पीड जनरेट की, इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ 53 और 54 सेकेंड में 0 से 100 हो जाती है, जो कि अपने ही आप में एक प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए। चलिए अब अंदर चलते हैं, अब और रहा नहीं जा रहा है, अंदर चल के बातें करते हैं। और अंदर जगह भी बहुत इन्होंने दी हुई है, अगर व्हीलचेयर में आ रहे हैं तो व्हीलचेयर के लिए भी बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। मुझे इंडियन रेलवेज की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने व्हीलचेयर की भी सुविधा दी हुई है और साथ में साथ उन्होंने वॉशरूम भी दिया हुआ है फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए। हर किसी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किया है, अगर आपने पहले सफ़र किया है कभी ट्रेन में तो आपको ध्यान होगा कि पहले हम ट्रेन में कैसे ट्रैवल करते थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश बदल रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट भी बदल रहा है, रेलवे काफ़ी तरक्की कर रहा है और हमें एक सेफ़ जर्नी देने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू इंडियन रेलवेज़ अगेन फॉर दिस। आप देख रहे हैं कि ट्रेन बेंगलोर स्टेशन से निकल चुका है, अभी इसने स्पीड नहीं पकड़ी है, धीरे चल रहा है, आगे दिखाएंगे वीडियो में कितनी स्पीड पर जा रहा है। इसका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है जो, वो कम है और मैक्सिमम टॉप स्पीड ये 180 तक जा सकता है। ये शताब्दी से 15 मिनट पहले ही पहुंचा रही है तो लोग इसके बारे में थोड़ी आलोचना कर रहे हैं। जब ये ट्रैक में जाएगा तो स्लोली स्लोली वो ट्रैक समझेगा, पहले 130 पे जाएगा फिर 150 पे जाएगा, मे बी इट कैन गो टू 180 ऑल्सो, तब इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा और इसका टाइम भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, लोग बोल रहे हैं कि मैं इतना पैसा क्यों पे करूं, तो देखिए ये तो आपकी चॉइस है। आप अगर प्रीमियम ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो शताब्दी तो है ही। बहुत सारे लोगों का ये अंदेशा है कि शताब्दी को बंद कर दिया जाए,
क्योंकि इसके बाद शताब्दी यहाँ से निकलने वाली है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी को प्रेफर करेंगे। और मेरा मन है कि ये एक्सपीरियंस एक बार लोगों को लेना ज़रूर ही बनता है। तो दोस्तों, अब इसके कंप्लीट फेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। चेन्नई से मैसूर अगर आप चेयर कार में जाते हैं तो 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और एग्जीक्यूटिव आपको पड़ेगा 2295 रुपये। बैंगलोर से मैसूर जाएंगे तो 515 रुपये पड़ेगा चेयर कार से, और एग्जीक्यूटिव कार से आपको पड़ेगा 985 रुपये। ये जो एक्सेल शीट मैंने लगाया है, आप इसमें देख ही सकते हैं कि अगर आप मैसूर से वापस आ रहे हैं चेन्नई या बैंगलोर, तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको लंच सर्व किया जाएगा, तो आते हुए कैटरिंग की व्यवस्था पूरी है, और इसमें ट्रेन हॉस्टेसेस भी हैं जैसे फ्लाइट में होती हैं। सब लोगों ने ट्रेन बोर्ड कर लिया है और यहाँ से ये ट्रेन का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख ही सब आ रहे हैं। केटरिंग क्रू सब कोच में पानी देने की तैयारी कर रहे हैं, पानी सर्व किया जाएगा अभी थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों, ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा लग रहा है, ट्रेन ने स्पीड भी पकड़ लिया है, बहुत फास्ट चल रही है ट्रेन। मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ कि ट्रेन कितने में चल रही है। यहाँ पे मैंने गूगल मैप्स का यूज़ किया है अप्रॉक्सीमेट स्पीड मेजर करने के लिए, तो देखिए 101 से ऊपर नहीं जा रही है। और यहाँ पे मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है जो कि ट्रेन की स्पीड मेजर कर रही है, ये 110 तक जाएगी, तो मोस्टली 110 तक जा रही है ट्रेन। और देखिए उधर से मालगाड़ी जा रहा है, वाइड एंगल से कैसा व्यू नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैटरिंग वाले हैं और टिकट चेकर भी आ गए हैं टिकट चेक करने के लिए। यहाँ पे ट्रे टेबल भी दिया गया है शताब्दी की तरह, और एक छोटा सा पिन भी दिया गया है जहाँ पे आप अपना पर्स या कुछ और लगा सकते हैं, और नीचे फुटरेस्ट है, और यहाँ पे सीट को आगे पीछे करने के लिए एक छोटा सा लीवर है, और जो आर्म रेस्ट है उसको भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लेग स्पेस अच्छा दिया गया है और सीट कम्फर्टेबल है, और ट्रे टेबल पे आप अपना लैपटॉप रख के अपना काम कर सकते हैं या खाने पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सुन ही रहे होंगे पीछे की लोग बात कर रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, काफ़ी खुश हैं और ये एक्सपीरियंस वो भी कर रहे हैं, सो दे आर हैप्पी। देखिए आप केटरिंग वाले आ गए हैं सुबह की चाय सर्व करने के लिए, जो कि ये सुबह की ट्रेन है और हम बेंगलोर से चढ़े हैं, तो इन्होंने चायोस का मसाला चाय का इंस्टेंट पैकेट और एक यूनिबिक का डाइजेस्टिव बिस्किट का पैक दिया जिसके अंदर एक पेयर ऑफ कुकीज़ है। गर्म पानी भी आ गया है, और चलो अब इंस्टेंट मसाला चाय बनाते हैं चायोस का, और खुद ही पीते हैं, खुद ही बनाते हैं घर में यार, खुद ही बनाते हैं यहाँ पे भी, खुद ही बनाते हैं, क्या लाइफ है यार लेडीज़ की। लो चाय अब रेडी हो गई है, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट चायोस का जैसा होता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें जिंजर फ्लेवर है और मसाला टी है, सो इट हैज़ ऑल द फ्लेवर्स। ओके है, नो ना कोई इतना गंदा है ना कोई इतना अच्छा है, इट इज़ ओके एवरेज यू कैन से। ब्लैक टी या दूध से बनी हुई चाय का टेस्ट ही अलग होता है, हमें उस टेस्ट की आदत पड़ गई है। तो इस व्लॉग में आगे आने वाला ट्विस्ट क्या है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये ट्रैवल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे साथ बने रहिए, और एक लाइक ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन रहे आगे नए नए व्लॉग्स लाने के लिए। और अगर आपको मेरी ट्रैवल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। चलिए अब थोड़ा इंटीरियर देख लेते हैं, ये एसी चेयर कार का इंटीरियर है। सीट्स अच्छी है, कलरफुल है, लेग स्पेस अच्छा है, और आमने सामने की सीटों में ट्रे टेबल कुछ बड़ा दिया गया है, और ऊपर टच लाइट्स हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है आपके सपोर्ट के लिए। अब देखिए वॉशरूम है, ये वेस्टर्न वॉशरूम है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में होता है सेम वैसा ही टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। एयर वेंट है, एसी है, एयर सर्कुलेशन अच्छा है वॉशरूम में, और आगे देखिए स्लाइडिंग डोर है, ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर, हर कैबिन के अंदर एंटर करने के लिए आपको ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा।
इवन इफ जब आप ट्रेन में एंटर करते हैं, वो डोर भी जो मेन डोर है वो भी टच बटन डोर है, और जब ट्रेन छूटने का टाइम होता है तो वो डोर लॉक हो जाता है, वो ओपन नहीं होता है। तो आप देखिए ऐसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार का लुक, इसमें सीट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और कुशन्ड हैं। अब आप देखिए मैं इस एग्जीक्यूटिव क्लास में ही हूँ, एग्जीक्यूटिव क्लास में 180 डिग्री सीट्स रोटेट हो जाती हैं। अब आप लोग पूछोगे कि 180 डिग्री रोटेशन क्या होता है। 180 डिग्री रोटेशन क्या होता है कि जो सीट है आप उस सीट को विंडो की तरफ टर्न करके या विंडो की तरफ फेस करके आप पूरा व्यू देख सकते हो, और अगर आपके परिवार वाले लोग जा रहे हैं आगे पीछे की सीट में तो आप सीट को आमने सामने टर्न कर सकते हो और अपना कोई भी जो गेम लेके गए हो, ताश लेके गए हो, वो आराम से बैठ के खेल सकते हो, या लूडो लेके गए हो, जो भी बोर्ड गेम्स है जो आपको पसंद है आप साथ में कैरी कर सकते हैं, और किंग साइज लाइफ जीते हुए प्रीमियम ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन होस्टेस की झलक भी दिख जाएगी आपको। सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ही ट्रेन होस्टेस हैं, देखिए यहाँ पे रिलैक्स कर रही हैं। ये जो डोर आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग डोर है, इसको ओपन रखा गया है क्योंकि आना जाना काफ़ी लगा हुआ है। ये देखिए एक कैमरा, दूसरा कैमरा ये है, और ये है तीसरा कैमरा। यहाँ पे टोटल 8 कैमरों से कवर किया गया है, इसका मतलब ट्रेन बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। और यहाँ पे केटरिंग वालों को ब्रीफिंग दी जा रही है कि खाना कैसे सर्व करना है और कैसे सैनिटाइज करना है, ये सब हर जगह इंस्ट्रक्शंस और कैमरा लगे हैं, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। आप जब भी ट्रेन में जाइए तो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िए। और ये देखिए यहाँ पे जो मेन डोर है उसका ग्लास कितना वाइड है, यहाँ पे खड़े होकर आप व्यू ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस डीप फ्रीज़र और खाने पीने के स्टोरेज के लिए काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है, और फायर एक्सटिंग्विशर है हर जगह पे, हर यूनिट में फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फैसिलिटीज़ बहुत है। वंदे भारत की सामने से झलक। और ये देखिए यहाँ पे सनशेड भी दिया हुआ है, ये मैनुअल सनशेड है, आपको नीचे ही खींचना पड़ेगा अपने हाथों से, और इससे व्यू बाहर का दिख जाता है, थोड़ा ब्लर व्यू है, लेकिन अगर आपको पूरा व्यू लेना है तो इसको पुश करके ऊपर कर दीजिए और अपना एंजॉय करते हुए जाइए व्यू देखते हुए किंग साइज विंडो से। कितना ज़बरदस्त स्पीड में गाड़ी चल रही है आप देख सकते हैं। ये व्यू, ये पायलट कैबिन का व्यू है, और ये यहाँ पे सारे ट्रेन पायलट्स हैं जो कि साथ में काम कर रहे हैं। कुछ ट्रेन पायलट्स खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है। द व्यू इज सो गुड। जो लोग वंदे भारत में ट्रैवल नहीं किए हैं मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए इस लाइफ टाइम में, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसमें डिस्प्ले स्क्रीन दिया गया है और इसमें ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, आप देख सकते हैं इसमें इसमें डेट डिस्प्ले है और अगला स्टेशन क्या आने वाला है, और ट्रेन का स्पीड भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि एक्यूरेट नहीं है, सब डिस्प्ले हो रहा है। और ये 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश कन्नडा में डिस्प्ले होता है। और ये टच लाइट है, देखिए टच करने से लाइट ऑन हो जाती है यहाँ पे और टच करने से ही बंद हो जाती है। लगेज रखने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ एलईडी लाइट्स भी लगाई हुई है यहाँ पे। असिस्टेंट लोगो पायलट एंड पायलट अपने पायलट कैबिन से ये भी वीडियो बना रहे हैं। देखिए एक ट्रेन पास कर रही है आगे से, काफ़ी तेज़ी से जा रही है ये ट्रेन हमारी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, आसमान साफ हो तो नज़ारा बढ़िया दिखता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए यहाँ पे ट्रेन टर्न हो रहा है और हम लोग मैसूरू पहुँचने वाले हैं, तो ट्रेन टर्न कर रहा है और हम स्टेशन में एंट्री ले रहे हैं। ये ट्रेन बहुत ही सेफ़ है, जैसे पहले चोर उचक्के ट्रेन में घूमते रहते थे, वेंडर्स बहुत सारे चढ़ते थे घूमते थे, तो ये ट्रेन बहुत ही सेफ़ है। आपने जैसे देखा कि अंदर बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा सर्विलेंस के अंदर ये पूरा ट्रेन कवर किया गया है, और स्टेशन्स बहुत ही कम है चेन्नई टू मैसूरू। तो मैं आपको स्टॉप्स बताती हूँ कौन कौन से स्टॉपेज आती हैं। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 497 किलोमीटर चेन्नई और बेंगलुरु मैसूरु, और ये लेती है 6 घंटे 40 मिनट इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। इसका एवरेज स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड अभी के लिए है, इसका स्पीड आगे और बढ़ सकता है क्योंकि जब इस ट्रेन के ट्रैक ट्रेन के हिसाब से रेडी हो जाएंगे तो इसका स्पीड आगे बढ़ जाएगा। तो जब इसका स्पीड थोड़ा बढ़ेगा तो आप इसका एक्सपीरियंस लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई बेंगलुरु मैसूरु का रूट है चेन्नई सेंट्रल, बेंगलुरु सिटी एंड मैसूरू जंक्शन, और बीच में ये क्रॉस करती है पेरम्बूर,
वेप्पमपट्टू, कट्टापडी जंक्शन, गुडुपल्ली एंड मल्लूर। स्टेशन आ गया है मैसूर स्टेशन, यहाँ उतरने का टाइम आ गया है। चलो मैसूर में उतरते हैं, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इसी ट्रेन से हम वापस जाएंगे बैंगलोर। सो यही ट्रेन जाएगी, एक ट्रेन क्लीन होगी उसके बाद जाएगी, वो भी आपको दिखा देंगे कैसे क्लीन करते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया से क्लीन करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ साउथ इंडिया का पहला फास्टेस्ट ट्रेन और इंडिया का फिफ्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नवंबर 11, 2022 को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया था। ये एक फुल्ली एसी ट्रेन है और इसका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। देखिए नीचे उतरने वाले हैं और नीचे देखेंगे आप कितने ही मतलब वंदे भारत के जो ट्रेन फैंस हैं वो सेल्फी लेने के लिए खड़े होंगे, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी जाऊँगी जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी अपना वीडियो और थोड़ी सी सेल्फी ज़रूर लूँगी इस ट्रेन के साथ। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरा, तो आप ज़रूर बताइए वीडियो के अंत में, देखिए और बताइए कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे इस ट्रेन का या नहीं। ये देखें मैं भी यहाँ पहुँच गई हूँ ट्रेन के साथ वीडियो लेने और सेल्फी लेने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन की सफाई कैसे हो रही है, ये लोग ट्रेन की सफाई कर रहे हैं, बाहर की ग्लासेस वगैरह साफ़ हो रही हैं, अंदर भी क्लीनिंग चल रही है पूरी तरह से। और यही ट्रेन वापस जाएगी मैसूरु से बैंगलोर एंड देन इट विल गो टू चेन्नई। यहाँ पे भी अंदर की क्लीनिंग जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ से खाना भी चढ़ाया जाएगा क्योंकि जाते हुए हमको लंच मिलेगा। ये देख सकते हैं आप वंदे भारत का फ्रंट मैसूरु स्टेशन में, आप अच्छे से व्यू देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है लेने की एक छोटा सा वीडियो क्लिप। अभी हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया है, हम वापस जा रहे हैं बैंगलोर मैसूर से। आप ये देख पा रहे हैं ये पायलट कैबिन का व्यू दोबारा से, अब दोनों साइड ही पायलट्स बैठे होते हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं और हमने डीबोर्ड कर लिया है ट्रेन को। अब ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है बैंगलोर स्टेशन से और जा रही है चेन्नई। आप देखिए ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, ट्रैवल बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू रेलवे अगेन फॉर सच अ लवली फास्टेस्ट एंड सेफ ट्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।